हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज फॉर के टेक पर स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर फिफ्थ के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जी हाँ, एपी। आज हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब जो एपी है, एपी वो है कोई भी जो सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। मतलब कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए इसका डिफरेंस है 1 1 1 1। मतलब इनमें से जो डिफरेंस चल रहा है 6 तक, वो कॉमन है, 1 है। हाँ, तो ये ए पी हुई। अगर किसी भी सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो, तो उसे हम ए पी कहेंगे। तो जो ए है वो फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगी। मतलब इसमें जो 1 है वो ए है, ए डिनोट करेंगे हम फर्स्ट टर्म को। और सेकंड टर्म ए टू, मतलब ए टू है जो 2 है। वो थर्ड टर्म ए थ्री, एफ ऐसे ही हम ए सिक्स को सिक्स टर्म, ए टेंथ टेंथ टर्म ऐसे डिनोट करेंगे। वो जो कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी। डी का जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंस बिटवीन ए टू एंड ए वन, मतलब ए टू माइनस ए वन। अगर ए टू जो है 2 है, वो ए वन है वो 1 है, वो उनका माइनस जो आएगा 1 आएगा। ये जो ए पी है माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी, और रेशियो में भी, और फ्रैक्शन में भी। और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ये ए पी नहीं है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, और जो ये 2 टर्म्स हैं इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, इनका 1 है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। मतलब ये 1 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनका डिफरेंस है जो सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो इसे हम ए पी नहीं कहेंगे। जो ए एन है वो ए पी की एंड टर्म, मतलब लास्ट टर्म है। जो ये ए पी है 1 2 3 4 5 6, इसकी जो लास्ट टर्म वो है 6 है। जी हाँ, इसकी लास्ट टर्म 6 है, तो इसे हम ए एन के द्वारा डिनोट करेंगे। ए एन जो है इसकी लास्ट टर्म, एन है जो है वो ए के पैल पर होगा। ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि एन क्या है। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी ए पी में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कि ए पी में कितने नंबर एक्सिट करते हैं, कि कितने नंबर हैं ए पी में, उसे हम एन के द्वारा डिनोट करेंगे। जी हाँ, वो जो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी, इससे हम बहुत टर्म्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो ए है वो 1 है, हम मान लेते हैं जो ए है वो 1 है, वो एन है, एन है वो 6 है, वो डी है वो भी 1 है। तो हमें एन पता करनी है, मतलब इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी वो हमें पता करनी है। तो मैंने फॉर्मूला जो है पुट कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए जो है 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी 1 है 10, 1 प्लस एन जो है वो सॉरी एन है जो 6 है, 6 माइनस 1 5 इंटू 1, 1 प्लस 5 10 6। तो जो इसकी ए एन है वो 6 आ गई है। तो ये है इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि अब मान लीजिए हमने फाइंड आउट करना है ए टू,
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए टू हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस टी, मैं आगे लिख देता हूँ, साफ नहीं है यहाँ पर। ए टू हमें हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस टी, जी हाँ ए प्लस टी। और अगर हमने ए थ्री फाइंड आउट करनी है तो ए प्लस टू डी। हम जैसे ही टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही जो डी है ज़्यादा होती जाएगी। जो ए टू है वो ए प्लस टी, और ए थ्री है ए प्लस टू डी, ठीक है, और ए फोर ए प्लस थ्री डी। ओके देन नाउ जो ए टू है यहाँ पर 1D है, ए थ्री है यहाँ पर 2D है, ए फोर है यहाँ पर 3D है। तो अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी टर्म है। यहाँ पर वाई फाइव है, फाइव को एक से माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 4D, ठीक है। तो इस जैसे ही हम ए सिक्स ए प्लस 5D आ गया, 6 को माइनस कर दिया 1 से तो यहाँ पर 5D आ गया। आप ऐसे हैं याद लग सकते हैं इसको, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम इससे कोई भी टर्म है जो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए और डी हो। अगर हमारे पास ए नहीं है तो डी है, स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए नहीं है तो हम डी और ए टू से ए निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास डी है 2 एंड ए टू है वो 8 है, तो हम ए इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्मूले में ही पुट कर दिया है ए प्लस टू। अब जो 2 है वो 8 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ए यहाँ पर 6, 10 इक्वल टू 6 है जो आ गया है। स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो हैं ये ए टू ए थ्री ए फोर ए निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें डी भी इससे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको बताया है ए एन का फॉर्मूला प्लस एन माइनस वन डी, और आज हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराई है। दोस्तों सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है, कल को हम इसकी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अगला बार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल लिंक डाउन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।